28 जून को उदयपुर में दो मुस्लिम व्यक्तियों ने कन्हैयालाल नाम के एक दर्जी की उसकी दुकान में घुसकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने इस जघन्य अपराध को कैमरे में रिकॉर्ड किया और इसे नुपुर शर्मा के बयान का बदला बताया। आपको मालूम हो कि कुछ दिनों पहले भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनकी पहचान मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के रूप में की गई थी। जी न्यूज ने 1 जुलाई को अपने शो डीएनए में राहुल गांधी का ये वीडियो चलाते हुए कहा कि उन्होंने उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा कहा है। और आखिर में हम आपको राहुल गांधी का वो बयान फिर से दिखाना चाहते हैं, जिसमें वो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बता रहे हैं। आज आपको तय करना है कि ये लोग बच्चे हैं या आतंकवादी हैं। The atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation. Right? It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister, it is the Home Minister, it is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. This environment of anger, this environment of hatred, and frankly, the creation of this environment in the country is an anti-national act. The children who did this, I mean, they are also children. So it's not fine. It's not a good thing to do, but they've acted in an irresponsible way. I don't have any anger or hostility towards them. They've done a silly thing, and so we should leave it at that. They're kids. I don't think they sort of understand, you know, the consequences of these type of things. So I think we should be forgiving as far as they're concerned. इस बर्बरता को देश का हर वर्ग, हर कोई सीधे सीधे कह रहा है कि ये गलत है और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं और उनका कहा सबके सामने बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर राहुल गांधी उन आरोपियों को बच्चा कह रहे हैं तो सोचिए फिर ये क्या संदेश लेकर आगे जाता है। मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि जिस कृत्य को उन्होंने किया, जिस बर्बरता को उन्होंने किया, उसे देखने के बाद हर कोई सिहर उठा था। और यही सवाल बार बार तय होगा कि अगर आप किसी को किसी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं तो क्या ऐसे घटनाक्रमों पर आप अफसोस जता पाएंगे। और इसलिए ये सवाल फिर से मैं पूछूंगा, क्या राहुल गांधी अगर उन्हें बच्चा कह रहे हैं तो क्या आप इसे इत्मीनान से सुनकर इस बात पर पूरी तरीके से अपनी सहमति जता सकते हैं? क्या क्या कन्हैयालाल को मारने वाला, बेरहमी से उसका कत्ल करने वाला बच्चा था? जी न्यूज के इस वीडियो को कई भाजपा नेताओं ने शेयर किया। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक, पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता राजवर्धन राठौर, बिजनौर के चांदपुर विधानसभा से विधायक कमलेश सैनी और भाजपा प्रवक्ता अजय शेरावत ऐसा दावा करने वालों की लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा भाजपा समर्थक अभिजीत अय्यर मित्रा, हिमांशु मिश्रा, सुदर्शन न्यूज के सागर कुमार, जी राजस्थान के पत्रकार कमर, आरएसएस की मुख पत्रिका ऑर्गेनाइजर से जुड़े निशांत आजाद ने भी ऐसा ही दावा किया। जबकि असलियत ये है कि राहुल गांधी का ये बयान वायनाड के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के बाद का है। उन्होंने कांग्रेस के दफ्तर पर हमला करने वालों को बच्चा कहा था। ऑल्ट न्यूज ने देखा कि वायरल वीडियो में न्यूज एजेंसी ANI का माइक दिख रहा है। हमने ट्विटर पर ANI के ट्वीट्स सर्च किए तो हमें वहां इसी वीडियो का एक फ्रेम मिला। इसमें राहुल गांधी वायनाड के ऑफिस में तोड़फोड़ करने की घटना पर बयान दे रहे थे। वायरल वीडियो में कुछ रीजनल मीडिया चैनल्स भी दिखाई दे रहे हैं। हमने राहुल गांधी व उनके ऑफिस से जुड़े कीवर्ड्स मलयालम भाषा में ट्रांसलेट कर यूट्यूब पर सर्च किया। हमें ये पूरा वीडियो मनोरमा न्यूज के यूट्यूब चैनल पर मिला। कथित तौर पर छात्र संगठन SFI के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर हमला किया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने ये बयान दिया था। जी न्यूज की इस खबर को कांग्रेस के कई नेताओं ने फर्जी बताया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चैनल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी की, जिसके बाद जी न्यूज ने इस खबर को लेकर माफी मांगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में अपने उस कार्यालय का दौरा किया जहां तोड़फोड़ हुई थी। दौरे के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि जो तोड़फोड़ में शामिल थे वो हमारे लिए बच्चों के समान ही है। ये खबर कल हमारे कार्यक्रम DNA में गलत संदर्भ में प्रसारित हो गई थी, जिसका हमें खेद है। I mean they are also children, so it's not fine, it's not a good thing to do, but they've acted in a irresponsible way. I don't have any anger or hostility towards them. They've done a silly thing, and so we should leave it at that. They're kids. I don't think they sort of understand, you know, the consequences of these type of things. So I think we should be forgiving as far as they are concerned.